क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस फॉर्म में आपको फिल करने के लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। जैसे कि आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो का मकसद बनाने का है, जो कि लोग अपने अपने एप्लीकेशन फिल नहीं कर सक रहे हैं तो लोग से लोग उन लोग से पैसे लिया जा रहा है। तो आपको पैसे देने से बचने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने खुद ही अपना इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कौन से डैश में आपको क्या आपको फिल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द ओनर, तो आपके जो राशन कार्ड में जो भी है आपका स्टेप फर्स्ट नंबर जो कि आपके फैमिली होल्डर नेम, तो आप यहाँ पर उनका नेम लिख दीजिए। फिर साथ ही आपको जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, मेल और फीमेल जो भी आपका है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर SC ST और BC माइनॉरिटी और अदर्स, आपका जो भी कास्ट है, जो भी आप कास्ट कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। तो भी आप यहाँ पर आपको दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा, मंथ ईयर एंड आपकी डेट आपको डालना रहेगा। फिर आपको सेकंड, फिर आपको फिफ्थ कॉलम में आपको दिया आधार कार्ड नंबर, कि आपके जो 12 डिजिट्स जो नंबर रहेंगे आधार कार्ड के, यहाँ पर आपको पूरे 12 डिजिट्स आधार नंबर डालना रहेगा। फिर साथ ही आपका यहाँ पर राशन कार्ड नंबर, जो कि आपका राशन कार्ड के ऊपर जो भी नंबर रहेंगे आपका, जो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पर राशन कार्ड फिर नंबर उसका ऐड कर सकते हैं, वरना भी ब्लैंक भी इसको छोड़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर दिया गया है मोबाइल नंबर, तो आपके जो भी फैमिली हेड उनका रहेगा यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, फिर साथ ही दोस्तों आपको जो ये 8 कॉलम में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन, आपका जो भी है आप डेली वेजेस पे जो भी आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। फिर साथ ही आपको 9th ऑप्शन में, जो कि आपके डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, आपके जो भी राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर्स रहेंगे उन लोगों के आपको यहाँ पर नेम्स लिख देना होगा, उनका यहाँ पर नेम लिख दीजिए। फिर आपका रिलेशन और एप्लीकेट लिख दीजिए, उनका जेंडर लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, और उनका लास्ट में आपको यहाँ पर आधार कार्ड आपको इंटर करना होगा। ये सारे आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपका एक जो आप अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक फोटो भी आपको यहाँ पर सिक करना होगा, यहाँ पर आपको फोटो भी लगा दीजिए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको बताया गया है आपको यहाँ पर एड्रेस, जो कि आपका जहाँ भी आप प्रेजेंटली आप जो रह रहे हैं यहाँ पर आप उसका एड्रेस इंटर कर दीजिए। साथ ही आपका जो भी विलेज, म्यूनिसपैलिटी और आपका वार्ड नंबर, आपका जोन क्या है, फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए। फिर साथ ही दोस्तों, अभी यह महालक्ष्मी स्कीम के लिए अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर आपको पर मंथ 2500 रुपीज जो दिया जा रहा है यहाँ पर आपको उसको एड टिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है गैस सिलेंडर के लिए आपको 500 रुपीज में, यहाँ पर भी आप टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको इंटर करना है गैस कनेक्शन नंबर, जो आपका गैस बिल के ऊपर जो भी नंबर आता है गैस कनेक्शन नंबर, यहाँ पर आपको ये डैश में फिल करना होगा। फिर आपको नेम ऑफ दी सप्लाई कंपनी, जो आपको सप्लाई कर रही है कंपनी, उसका यहाँ पर आपको नेम इंटर कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको देखिए नंबर ऑफ द गैस सिलेंडर कंज्यूम पर ईयर, आपको एक साल में आपको गैस सिलेंडर कितने लगते हैं यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। फिर आपको अगर ये फार्मर्स के लिए अगर आप ये इंश्योरेंस की स्कीम अगर अप्लाई करना है एवरी पर एकर टू फार्मर 15,000 रुपीज, तो इसका एक अलग सा प्रोसीजर है, आप यहाँ पर भी इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है और एक इंद्रम्मा हाउस स्कीम के लिए भी, तो आप यहाँ पर भी आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी आपको ये फिल कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर दिया गया है ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ, आपको अगर 200 यूनिट्स फ्री चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ पर फैमिली के लिए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है आपका मंथ में कितना यूनिट जलता है, 0 से 100, फिर आपको 100 से 200, फिर आपको दिया गया है और 200 के अबव, मींस आपके
200 यूनिट्स के ऊपर आपकी मंथली अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल चलती है तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन नंबर, जो आपका लाइट बिल पे आपका जो भी कनेक्शन नंबर रहेगा यहाँ पर आपको इसको इंटर कर देना होगा। फिर अभी आप देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन स्कीम, ये जो 4000 पर मंथ अंडर सेल ऑफ स्कीम, जो आपको 6000 रुपए जो दिया जाता है डिसेबिलिटी के लिए, और ये 4000 रुपए जो है जिसकी एज कम से कम 57 और उसके अबव जिसकी एज रहेंगी उन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स दिया गया, आप यहाँ पर भी इसको ऐड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट नंबर रेस्पेक्टिव, फिर आपको ओल्ड एज है, फिर लाइन वर्कर है, डायलिसिस पेंशन, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कुछ है तो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर सिंगल वुमेन लिवहुड, यहाँ पर आपको ये फिल कर दे सकती है। तो ये सारे आपके डिटेल्स फिल करना है। फिर साथ ही आपको फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको जीरोक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड और वाइट राशन कार्ड जीरोक्स ईच। अभी जो भी स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ईच, उसके लिए अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप जीरोक्स लेके जाइए। साथ ही आप सर्टिफाई दैट ऑल दी डिटेल्स सबमिटेड अबव आर ट्रू, जो भी आपका रहेगा यहाँ पर इसको ये एक बार रीचेक करने के बाद, आप कंफर्म करने के बाद फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर अगर सिग्नेचर भी कर सकते हैं आप, फिंगरप्रिंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस साथ ही आपका नेम, फिर जो डेट के ऊपर आप सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर डेट लिख दीजिए।